व्यूअर्स आप देख रहे हैं क्रिकेट लाइन गुरु का प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट। दोस्तों क्रिकेट लाइन गुरु अपने फैंस की नजरों में जाना जाता है सटीक मौकों पे सटीक प्रेडिक्शंस के लिए, और आज का प्री मैच एनालिसिस है बिग बैश लीग 2019 के मैच नंबर 14 का, जो खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच 28 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। भाई सिडनी सिक्सर्स 2 विन और 2 डिफीट्स के साथ 4 पॉइंट्स पे नंबर 3 पे बैठी है, और वहीं सिडनी थंडर 5 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 की पोजीशन पे है। देखा जाए तो थंडर्स ने सिक्सर्स को पिछले 5 मैचेस में से 3 बार हराया है। आपको बता दें कि ये स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए सिर्फ एक एनालिसिस है, थोड़ा 19-20 जरूर हो सकता है, पर मैच इसी एनालिसिस के आसपास जरूर रहना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं क्रिकेट के दीवाने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए पहले आपको पिच का ओवरव्यू दे देते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए पिच पे 150 से 160 का स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और यहीं स्पिनर्स को विकेट झटकने में स्लो पिच का फायदा मिल सकता है। जहां तक बात टॉस की है तो टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना चाहेगी, और गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 150 और 160 का स्कोर चेस करना ईजी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिडनी सिक्सर्स की टीम पे फोकस करते हैं। डैनियल ह्यूज, मोइसेस हेनरिक्स और जेम्स विंस ने बड़ी पारियां तो नहीं खेली हैं, लेकिन टीम में एक अच्छा योगदान जरूर दिया है। वहीं जे फिलिप्स ने इनॉग्रल मैच में 80 प्लस का स्कोर किया था, और वो अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे हैं। बात अगर सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग अटैक की करें तो बेन वॉशेस और टॉम करन के नाम 6-6 विकेट्स हैं, और वो अपना 100% दे रहे हैं। और बात करें इस टीम के स्टार बॉलर शॉन एबॉट की, जिन्होंने पिछले 4 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं, उन पे इस मैच में सबकी निगाहें टिकी होंगी। चलिए आपको बताते हैं सिडनी सिक्सर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 कौन कौन हो सकते हैं। तो जॉश फिलिप, डैनियल ह्यूज, जेम्स विंस, मोइसेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल, हेडन केयर, टॉम करन, शॉन एबॉट, बेन वॉशेस, लॉयड पॉप और जैक्सन बर्ड, ये हो सकते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 सिडनी सिक्सर्स के। ये बात कर लेते हैं सिडनी थंडर्स की। थंडर्स यहाँ पे प्लस पॉइंट पे है क्योंकि इसका टॉप ऑर्डर फुल फॉर्म में चल रहा है। कैलम फर्ग्यूसन, उस्मान ख्वाजा और एलेक्स हेल्स ने 50 प्लस रन्स बनाए हैं। वहीं बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो डैनियल सैम 3 मैचेस में 6 विकेट्स के साथ टीम को लीड कर रहे हैं। वहीं अर्जुन नायर, जे कुक और क्रिस ग्रीन स्पिन अटैक संभालते हैं, और पिछले मैचेस में देखा है कि ऑपोजिशन पे डोमिनेटेड है। दोनों ही टीम अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिडनी थंडर्स का आने वाले मैच में पलड़ा भारी लग रहा है। चलिए आपको बता देते हैं थंडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। कैलम फर्ग्यूसन, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स हेल्स, क्रिस मॉरिस, क्रिस श्रेमेन, एलेक्स रॉस, क्रिस ग्रीन, अरुण नायर, डैनियल सैम, जोनाथन कुक, मैथ्यू किक्स, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 सिडनी थंडर के। तो दोस्तों ये था क्रिकेट लाइन गुरु का प्री मैच एनालिसिस मैच नंबर 14 का। अगर आप भी हैं सहमत तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है, सिडनी थंडर या सिडनी सिक्सर्स। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।